आम आदमी पार्टी के प्रति छेड़े गए चंदा बंद सत्याग्रह या नो लिस्ट नो डोनेशन कैंपेन के पीछे मूलभूत भावना यह है कि आम आदमी पार्टी अपने चंदे के डिटेल्स को या डोनेशंस की डिटेल्स को पब्लिक के सामने रखे। पिछले 6 महीने से जून 2016 से पार्टी ने अपनी वेबसाइट से डोनर्स की लिस्ट का नाम हटा दिया है, यानी कि अब आपको नहीं पता कि आम आदमी पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है, कौन लोग देने वाले हैं और उसके एक्सपेंसेस कैसे हो रहे हैं। साथियों, अपनी पार्टी अब ये बयान देने लगी है कि चंदे की डिटेल्स तो हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी के जो डोनर्स हैं उनको दूसरी पार्टियों से खतरा है, दूसरी पार्टियां हमें हैरेस करने लग गई, हमारे डोनर्स को टारगेट करने लग गई। तो साथियों, इसी विषय को लेके मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर वन, अपनी पार्टी की एक पॉलिसी है, डोनेशन पॉलिसी, आप वेबसाइट पे देख भी सकते हैं, www.aamaadmiparty.org/donation-policies। इसमें आप देखेंगे कि पार्टी ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी विल वर्क विद 100% फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, इट विल अपलोड ईच एंड एवरी रुपी डोनेटेड टू इट विद इमीडिएट इफेक्ट ऑन द वेबसाइट। यानी कि आम आदमी पार्टी चंदे के मामले में 100% पारदर्शिता के साथ काम करेगी और 1 रुपये से ज्यादा जो भी डोनेशन उसको मिलेगी वो वेबसाइट पे दिखाएगी। तो ये अपने प्रिंसिपल का जो पार्टी ने अपने ऊपर लिया, एक अपने ऊपर एक कानून बनाया, अपने ऊपर एक नियम बनाया, एक वचन अपने को दिया, जनता को दिया, उसका उल्लंघन है। दूसरा ये कि मान लीजिए, एक मिनट के लिए अपन मान लेते हैं कि पार्टी के डोनर्स को परेशान किया जा रहा है, लेकिन 3 साल तक कभी किसी ने परेशान किया, आज परेशान करने लग गए। लोगों ने तो इस पार्टी को एक आजादी की दूसरी लड़ाई समझ के दान दिया, क्योंकि हमने लोगों को बताया कि आजादी की दूसरी लड़ाई है, इंकलाब का नाम है ये। मेरा ये मानना है कि लोगों ने, जनता ने पार्टी को उसी फेथ, उसी प्रॉमिस के साथ डोनेशन दी। तो ये सिंपली कह देना कि आज उनको किसी प्रकार का भय है, मैं ये बात मानने से इनकार करता हूं। हमारी पार्टी लोगों के स्विस बैंक के अकाउंट्स के नंबर तक अपनी जेब में लेके घूमती है और अपने पार्टी के डोनर्स की डिटेल्स देने से मना करती है। तो विरोधाभास देखिए आप, और वैसे भी सच्चाई की लड़ाई हम लड़ने के लिए निकले हैं, सिर्फ हम इंकलाब कहते हैं, इंकलाब इंकलाब, या हम इंकलाबी हैं, सब छोड़ छाड़ के आ गए, देश बदलना है, आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये सब तो फिर जुमलेबाजी हो जाएगी। अपनी पार्टी के वर्कर्स पे सबसे पहले हमला होगा। मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अपोजिशन हमारे पीछे पड़ गया। कभी आपने दिल्ली, पंजाब, आजकल जहां चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में देख लीजिए, गोवा में चुनाव लड़ने, गुजरात तो मोदी का गढ़ है, वहां पे अपने कार्यकर्ताओं के प्रति या उनके खिलाफ कुछ सिग्निफिकेंट वायलेंस आपकी निगाह में आई हो तो हमें बता दीजिए। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी अपनी अब ये कहने लगी कि नहीं जी वायलेंस हो रही है, आप उसको मान लें, तो आप थोड़ा सोचिए कि कहीं ना कहीं तो विरोधाभास है, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है, कहीं ना कहीं गैप है, जो पार्टी बोल रही है और जो हो रहा है उसमें गैप है। अपनी पार्टी के वॉलंटियर्स पे, वर्कर्स पे कोई असॉल्ट्स हुए हों सिग्निफिकेंट, जानलेवा हमले हुए हों, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया जाता हो, तो ऐसी कोई घटनाएं इतनी सिग्निफिकेंट हुई हों कि जिससे आपको लगे हाँ यार अपोजिशन अपने पीछे पड़ गई है, तो ऐसा है नहीं। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए डोनर्स के पीछे पड़े हैं, तो डोनर्स की लिस्ट को दिखा दीजिए आपके, भाई इस अमुक व्यक्ति को मोदी जी या कांग्रेस गवर्नमेंट या दूसरी कोई भी गवर्नमेंट है वो परेशान कर रही है। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक डोनर हो जिसके पास अनगिनत पैसा हो, जो कि उसकी वेल्थ से डिस्प्रोपोर्शनेट हो, एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू द वेल्थ। नेचुरली वो व्यक्ति अगर कुछ डोनेशन देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जाता है, तो उसमें तो
कोई हैरेसमेंट वाली बात नहीं है ना। मैं यूएसए में डॉक्टरी का काम करता हूँ, मैं अनाप शनाप पैसा नहीं बनाता, मेरे को व्हाइट मनी मिलता है, व्हाइट मनी मेरे बैंक में जाता है। लेकिन मान लीजिए मैं ऐसा कुछ ब्लैक मनी बना लूँ और कल वाही वाही लूटने के लिए आम आदमी पार्टी को 5 करोड़ दे दूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाह में अगर वो बात आ जाती है तो नेचुरली वो तो पूछेगी, भाई साहब आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, आपकी तो जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स है उसमें तो इतना पैसा है, तो पिछले 10 सालों में आपने कमाया तो इतना है, और पैसे आप बड़े बड़े बांटे जा रहे हैं, तो मामला क्या है? तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस गया है तो उस डोनर की हैरेसमेंट हो गई। सिर्फ हम अपनी पार्टी के एक तर्क को मान के अपनी इंकलाबी भावना को दबा दें और सच्चाई के रास्ते पर चलने के बजाय हम उसी एक जुमलेबाजी को मान लें, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। और वैसे भी साथियों बात बड़ी स्पष्ट है, अपने देश में दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टियां सैकड़ों की तादाद में, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको 1800 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां मिलेंगी। आपको राष्ट्रीय पार्टी चाहिए वो भी मिलेगी, आपको स्टेट लेवल पे पार्टी चाहिए बहुत पार्टियां, आपको जातिवाद के नाम पे पार्टी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी पार्टियां बनी हुई हैं जिनको जाति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, धर्म के अलावा दिखता ही नहीं, उस गंदगी में पड़ना है उसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टी अपने देश में पड़ी, समाज के नाम भी बनी पड़ी है कि एक खास समाज की आपको चिंता हो रही है बहुत ज्यादा तो ज्वाइन कर लीजिए, किसी ने मना नहीं किया। हम सब लोगों ने देश बदलने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक नई पार्टी बनाई, सच्चाई की राजनीति करनी है, क्लीन मनी वाली पॉलिटिक्स करनी है, ईमानदारी वाली राजनीति करनी है, वैकल्पिक राजनीति करनी, ये सब शब्द मेरे नहीं है, ये अपनी पार्टी ने अपने को सिखाए थे, इसलिए मेरे जैसे भी छोड़ छाड़ के आ गया शिकागो से, अकेला मैं नहीं आया, काफी लोग आए थे। तो हम सब लोगों ने सोचा कि वास्तव में 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल जो पार्टी हमें सिखा रही है उससे देश बदलेगा, उसमें जो आमूल एक जो एक मंत्र पार्टी ने दिया अपने आप को अपने में लागू किया और जनता के सामने रखा वो यही था कि चंदे में पारदर्शिता, व्हाइट मनी से पॉलिटिक्स करेंगे, व्हाइट मनी से यानी कि जनता से ही पैसा मांगेंगे, उस पैसे से ही हम चुनाव लड़ेंगे और उस एक एक पैसे का हिसाब किताब देंगे। साथियों पॉलिटिकल फंडिंग, इसको पॉलिटिकल फंडिंग कहते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग पूरी दुनिया में प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, आसान नहीं है ना, जो पार्टी ईमानदारी से काम करना चाहती है उसके लिए मुश्किल नहीं है, अदरवाइज सब पॉलिटिकल पार्टीज में, चाहे आप यूएसए में देख लीजिए चाहे आप दूसरी जगह देख लीजिए, करप्शन इज ए मेन इश्यू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को भी 3 C से जूझना पड़ता है पूरी दुनिया में, 1 करप्शन, 2 क्लाइंटलिज्म, 3 क्लैन, यानी कि करप्शन भ्रष्टाचार, क्लाइंटलिज्म संरक्षणवाद और क्लैन मीन्स वंशवाद। ये समस्या सिर्फ भारत के लिए नहीं है लेकिन विदेशों में, एटलीस्ट यूएसए में, यूएसए में पैसे पॉलिटिकल फंडिंग में पैसे का बहुत बड़ा बोलबाला है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी कोई विजिबिलिटी नहीं, आप जीत ही नहीं सकते इलेक्शन, पैसा यहां पे चाहिए। इंडिया में अपने गरीब आदमी भी जीत जाता है, एक एक व्यक्ति जिसके पास औसत संसाधन है अगर वो ठीक ढंग से अपनी बात रखता है, लोगों में पॉपुलर है, काम किया है उसने, तो वहां इलेक्शन जीत सकता है। यूएसए में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पैसे के बिना, लेकिन यहां पे पैसा कोई सीलिंग नहीं है डोनेशंस में, लेकिन पैसा रेगुलेटेड है, यानी कि आप जो डोनेशन देंगे, चाहे आप $1 million की डोनेशन दीजिए चाहे आप $10 की डोनेशन दीजिए, वो दिखेगी पब्लिक डोमेन में। और ये सब हम करने आए थे साथियों, ये बड़े ध्यान से हमें भी बात सुनिए, आप पॉलिटिकल आपने जो बड़े नेताजी बोले जा रहे हैं उस पर मत जाइए, आपसे मेरी बात को ध्यान, आप असहमत हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। पॉलिटिकल फंडिंग अगर अनरेगुलेटेड होगी, अनकंट्रोल्ड होगी, अज्ञात होगी, अनरेगुलेटेड, अज्ञात यानी कि अननोन एंड ओपेक, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो सारी बीमारियां वहीं से शुरू हो जाएंगी। ये सब पे अप्लाई होता है, आम आदमी पार्टी पे भी अप्लाई होता है, बीजेपी पे भी, कांग्रेस में भी, रिपब्लिकन पार्टी या यूएसए में भी, डेमोक्रेट्स पे भी। अगर आपके चंदे में आपके जो अपनी आपकी पॉलिटिकल पार्टी का जो आर्थिक प्रबंधन है, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर ये 3 चीजें नहीं है
रेगुलेशन यानी कि पैसा कितना चाहिए, अनाप शनाप पैसा इकट्ठा कर लेंगे वो भी प्रॉब्लम बन जाएगी, पैसा ना होना तो भी प्रॉब्लम है, आप चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है, कैंडिडेट्स को पैसे कैसे देंगे आप, चुनाव कैसे लड़ेंगे। लेकिन पैसा अनरेगुलेटेड है, कितना ही आपको आज आपको कोई 500 करोड़ आगे पकड़ा दे आम आदमी पार्टी को, वो भी तो प्रॉब्लम है ना, दैट इज अनरेगुलेटेड मनी। तो पैसा उतना चाहिए जितना पैसा उतना ले पॉलिटिकल पार्टी जितना उसको चाहिए। सो इफ इट इज अनियंत्रित अनरेगुलेटेड दैट इज अ प्रॉब्लम। अज्ञात है, अननोन सोर्सेज से पैसा आ रहा है, दैट इज ऑल्सो एन इश्यू। एंड ओपेक है यानी कि पारदर्शिता नहीं है। अब हमारी पार्टी ये कहने लगी आप जैसे भोले वाले क्रांतिकारियों को कि नहीं हम बैलेंस शीट तो मैनेज कर रहे हैं, पैसा आ रहा है वो सब दिख रहा है, वाइट में ही ले रहे हैं वो सब बैलेंस शीट अकाउंटिंग हो रही है। तो भाई लोगों वो कोई दैट इज नॉट ए जस्टिफिकेशन, पैसा वही पारदर्शी है जो जनता को दिखे। ये नहीं कि हम आम आदमी पार्टी वालों को दिख गया तो भी वो ठीक है ना, पार्टी जो चंदा ले रही है वो पब्लिक में नहीं दिखेगा तो अज्ञात ही माना जाएगा, वो ओपेक माना जाएगा, वो अपारदर्शी माना जाएगा। पार्टी पैसे को जो पैसा उसको आता है भले वो चेक से ले रही है, हम ये भी एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि चलो ब्लैक मनी पार्टी नहीं ले रही, लेकिन कहां से ले रही है, कौन डोनर्स है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। मुनीश रायजादा जैसे कोई व्यक्ति मान लो दे दे जाके, पैसा वैसे है नहीं मेरे पास इतना कि मैं दे दूं अनाप शनाप पैसा, मान लीजिए मैं 10 करोड़ जाके पार्टी में दे देता हूं, महाशय 6 महीने बाद दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट है, वहां पे मैं कोई नर्सिंग होम का प्लॉट ले लेता हूं, ना तो जनता को समझ आएगा ना पार्टी के लोगों को, तो वहां पे मैं हॉस्पिटल बिल्ड कर देता हूं, कल कमाई करने लग जाता हूं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी को नहीं दिखेगा, सिर्फ मुझे दिखेगा। मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, मैं केयर नहीं करता क्योंकि मोरालिटी नहीं है मेरे में, वो मुझे तो पैसे चढ़ा के फेवर लेना था, तो मेरे को और उस व्यक्ति को जिसको मैंने फेवर दिया या वो दो चार लोगों को भाई लोगों को जो वो मैनेज कर रहे हैं पैसे, उसके अलावा किसी को नहीं पता चलेगा। तो अगर आम आदमी पार्टी वास्तव में शक्ल बदलना चाहती है देश की, तो आम आदमी पार्टी अपनी खुद की पॉलिटिकल फंडिंग में जब तक पारदर्शिता नहीं लेके आएगी, आप ठेठ नावे लगा लो सड़कों पे जाके, टोपियां पहन के घूमते हो, झाड़ू पकड़े घूमते हो, कुछ नहीं होने वाला, ये सच्चाई है। आप व्यक्ति विशेष से प्रेम मत कीजिए, दिल की मत लगाइए कि वो बोल रहे हैं तो ठीक हो जाएगा ना भाई, पैसों पे तो सारी जड़ है, पैसे ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, सारी बीमारियां वहीं से निकलती हैं। तो आप अपने आप से कहिए भाई 6 महीने हो गए, मामला क्या है, पैसे क्यों नहीं दिखा रहे। इस बात में मत जाइए कि मैं मुद्दा उठा रहा हूं या पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी को हम हराना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंजाब जीत लीजिए आप, पैसों में ईमानदारी नहीं होगी तो पंजाब जीतने के बाद भी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, ये शब्द नोट कर लीजिए आप गोवा भी जीत लीजिए, महाराष्ट्र, सब पूरा देश जीत लीजिए आप, अपनी पार्टी के लोगों को आप प्राइम मिनिस्टर भी बना दीजिए, लेकिन अगर अपनी पार्टी में पैसों की पारदर्शिता नहीं है तो आप 100 कोशिश कर लीजिए, देश में ईमानदारी वाली राजनीति हो ही नहीं सकती। आप बाकी पार्टी को देख लीजिए, सारी बीमारी वहीं पे है, पॉलिटिकल फंडिंग पे ही है। तो सिर्फ इस बात पे चले जाना कि बस हम नहीं दिखा सकते और आप इसको मान लें, तो आप अपने साथ ही प्रोबेबली, मेरा ये मानना है कि आप अपने साथ धोखा करें। आप पार्टी में चैलेंज कीजिए, भले आप बाहर, मैं तो पब्लिकली बोलता हूँ, आप पार्टी के अंदर भी बात उठा लीजिए, आपकी बात सुन ली जाए तो, मुझे इस बात में संदेह है, सुनी नहीं जाएगी, लेकिन आप पार्टी के अंदर कोशिश कर लीजिए, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप बाहर आइए और बोलिए। पार्टी के चंदे की पारदर्शिता पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और यही हमारे सत्याग्रह की सारी इसके पीछे जो बेसिस है, चंदाबंद सत्याग्रह, नो लिस्ट नो डोनेशन, यानी कि आप लिस्ट नहीं दिखाएंगे तो हम डोनेशन नहीं देंगे। और वैसे हम लड़ नहीं रहे किसी से, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई लोगों, यानी कि जनता से हमारा निवेदन है कि आप आम आदमी पार्टी को तब तक चंदा देने से मना कीजिए। हम ये बोल रहे हैं तब तक आप चंदा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शपथ लीजिए कि तब तक आप चंदा नहीं देंगे जब तक आपके चंदे को दिखाया नहीं जाएगा। तो साथियों, इस सत्याग्रह में आप हिस्सा लीजिए, चंदाबंद सत्याग्रह, नो लिस्ट नो डोनेशन, वेबसाइट का नाम है nolistnodonation.com। वीडियो थोड़ा लंबा है,
क्योंकि मैं थोड़ा इसमें एकेडमिक एंगल से बातचीत अपनी रखना चाहता था। तो आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद।